तो शिकार का यार इतना शौक था उनको। ये सारे देख उनके मेडल्स हैं। रही से देख रहा है? रही से देख रहा हूँ भाई, शेर के काल की यार। ये पुराने जमाने के पंखे होते थे। बंटी भाई टू। अच्छा अच्छा नहीं के सूटा सारा। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम उचगांव फोर्ड। तो साहब अभी अभी हम उठे हैं लोंडे। टाइम कितना हो रहा है? 47 भाई, इतना लेट उठे यार। रात यार वीडियो एडिट करते करते ना मुझे भाई 3 बज गए यार। सोच भी कर रहा था, सोचा भाई को नींद आ रही होगी। और फिर भी पूरी एडिट नहीं हुई यार, फिर भी थोड़ी सी रह गई। गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ और अपने लोंडे को उठाते हैं जाकर उनके रूम। ये रहा, तो चलो अपने लोंडो को उठाते हैं। लोंडो उठ जाओ यार। अबे बाबा हम तो रेडी भी हो गए, उठ जाओ। रिसोर्ट का सबसे प्रीमियम रूम है, तुम्हें पता है? एक चीज दे पता होगी तुम्हें, यहाँ पर पीछे है ना एक गुप्त दरवाजा था यहाँ पर। यार जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाओ। मैं तो हो गया भाई फ्रेश, ना धोके। भाई जब ये रूम हमें मिला था तो हमें पता नहीं था भाई ये इतना स्पेशल रूम है, क्योंकि यहाँ पर है ना इंदिरा गांधी आकर रुकती थी और जवाहरलाल नेहरू, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हाँ यहाँ पर आके रुकी हैं इस रूम में यार। और भी काफी इंग्रेडिएंट्स थे जो हाँ मेरे को पता था कि इस फोर्ड में रुके हैं, मुझे ये नहीं पता था कि इसी रूम में रुके हैं। इस प्रॉपर्टी का सबसे स्पेशल रूम है ये, देख लो तुम कहाँ आके रुके हो यार। और यहाँ पर है ना एक सीक्रेट दरवाजा भी बना हुआ था जो बंद कर दिया गया है फिलहाल, कि इसका कोई यूज नहीं था। और ये वो जगह है जहाँ इंदिरा गांधी बैठकर अपनी मीटिंग किया करती थी यार। ये वही सोफा है यार, कितना पुराना होगा यार ये। बहुत मजा आ गया सर, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए हमारे ब्लॉग में। प्रॉपर्टी है सर वाले सर। अच्छा, जो राजा महाराजा लोग रहते थे उनका अपना महल था ये वाला। अच्छा हाँ। जो नीचे जो हमारे जो क्लटर ऑफिस है वाले देख रहे हैं नीचे बिल्डिंग जी, इसमें क्लटर ऑफिस थे सारा। ये जो लगान वसूल करता था हमारा उसका सब है सारा। इसमें रुके थे आलबर्ट वगैरह जी, कल झोड़े रुके थे। आपका रूम 2 नंबर दिया था जो इनका वाला रूम था जी, 2 नंबर। अच्छा, गैंगस्टर बना है, गांधी गॉड से बना है, और मिर्जापुर वाला बना है। यहाँ पे मिर्जापुर भी यही बना जी, मिर्जापुर। वाह, काफी शूट हुआ है। एक पिक्चर अभी आई थी बंटी भाई 2। अच्छा अच्छा, यही के शूट है सर। मैं फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ आपको सर। क्या क्या मिलना हो मुन्ना भैया यहीं खड़े हुए थे। तो ये रॉक एंड रानी की शूटिंग कब हुई थी? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, अब ट्रेलर आया इसका। ये उसका यार हो गया अमेजिंग गाइस। ये सर जो मुजफ्फर 5 आने वाली है, सीजन 3 की शूटिंग हुई है भाई। सीजन 3 उसका पिक्चर, इतना टाइम लग गया। चलो हमारा यहाँ पे शूट हुआ है, 60 दिन शूट हुआ है। 60 दिन में हमारा निकला है, सिर्फ 20 मिनट का शूट हुआ है हमारा। अच्छा, 60 दिन में 26 मिनट का निकला है यहाँ से, बताइए आप। और ऐसे होता है भाई, यही तो स्ट्रगल होता है भाई। देखिए रूम घर के साथ रूम बने हैं, होटल के साथ को हाँ, मतलब जो जैसे थे वैसे ही रखे गए। कैटेगरी दिया भी नहीं हम लोग, जो पहले था उसी को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया बस। नहीं, बेड फर्नीचर वही है सारा, बेड फर्नीचर जो आपका जो फ्लोर भी है हमारा फ्लोरिंग हां हां। हल्का वॉशरूम चेंज किया है जी, वॉशरूम चेंज। वॉशरूम चेंज कितने टाइम से हो गया आपको? मेरे को 27 साल हो गए हैं। 27 साल हो गए टोटल में सामने बनाया 2005 से बनाया टोटल में। अच्छा, 2005 में ही रेसिडेंट में कन्वर्ट किया गया। ये पुराने जमाने का वॉल वेशन है वैसे, देख रहे हो। ये लाइब्रेरी थी भाई। ये स्कीज लग रहे हैं, स्की करने वाले बहुत ही पुराने हैं। गोल्फ स्टिक्स लग रही हैं सारी। देखिए ताश के पत्ते कैसे होते थे पहले, गोल गोल, देख रहे हो। देख सरकार की तरफ से मिले हुए मेडल्स भाई, सारे शौक कर दिए थे इन्होंने। Thank you.